एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंशा घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है और अंशा को अपसेट में देखकर अंशा की आंट पूछती है कि सब ठीक है ना। तो अंशा स्टडी के बहाना करके वहां से एक्सक्यूजेस लेकर रूम के अंदर चले जाती है और अल्फा ये सब देखकर एलिन को अंशा से बात करने को कहती है। तो एलिन अंशा के रूम के पास आती है और डोर को लॉक देखकर खोलने को कहती है, तो अंशा नहीं खोलती है और एलिन को जाने को कहती है। तो एलिन पूछती है, क्या तुम सन के वजह से अपसेट हो? अगर ऐसा है तो जब तक तुम सन को सच नहीं बताओगी तब तक तुम्हें इस तरह से सफ़र करना पड़ेगा और जब सन को सच पता चल जाएगा तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो अंशा ये सब सुनकर कहती है कि जल्द ही अर्थ का कहानी ख़त्म होने वाला है और यह कहकर रोने लगती है। और नेक्स्ट डे सन को हम देखते हैं जो अपने फ्रेंड को अर्थ के तरफ से दिया हुआ गिफ्ट को दिखाती है, तो वह सब इसे देखकर कहने लगती है कि वो पार्टी में नहीं आया और ना सन से मिला। इस तरह से मिस्टीरियस बनने का क्या मतलब है? मतलब कि ये सभी सन को कहने लगती है कि ऑनलाइन किसी से बात करना डेंजर है, अर्थ के लिए कहीं ये सब टाइम पास ना हो, और सन को केयरफुल रहने को कहती है। तो सन ओवरथिंक करने को मना करती है और कहती है अर्थ अच्छा बंदा है क्योंकि जब भी सन अर्थ से बात करती है तो वो कंफर्टेबल फील करती है। अर्थ सामने रहे या ना रहे, सन को ऐसा फील होता है कि अर्थ हमेशा उसके साथ है। और यहाँ पर इन सभी की बातें अंशा छुपकर सुन रही होती है और सन से माफ़ी मांगती है और अपने आप को ब्लेम करने लगती है। और वहीं हम माविन को देखते हैं जो तीन को चुपके से देख रहा होता है। तभी तोन माविन के पास आता है और चारण को देखकर कहता है कि माविन का बहुत अच्छा चॉइस है, चारण माविन के लिए बेस्ट है। तो माविन ये सुनकर कहने लगता है कि वो चारण को पसंद नहीं करता है, बट तोन इसकी बातें सुनने की कोशिश नहीं करता है और कहने लगता है कि चारण देखने में अच्छी है और तो और रिलीजियस पर्सन है। तो माविन ऐसा सुनकर तोन को सच बता देता है कि वो तीन को पसंद करता है। तो तोन तीन के बारे में सुनकर शॉक्ड हो जाता है और चारण की तरफ देखकर कहता है कि इसे पसंद करने वाला कोई नहीं है। तो इसके बाद एस्ट्रोनॉमी क्लब में देखते हैं टीचर इन सभी के पास सालों से पड़ा हुआ साइंस प्रोजेक्ट को लेकर आती है और इसे रिनोवेट करने को कहती है और अंशा को अपसेट में देखकर पूछने लगती है कि वो ठीक है ना। तो अंशा का ध्यान कहीं और रहता है। तो ये सब अंशा को आउट ऑफ माइंड में देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तो सन अंशा को खैरियत पूछती है तो अंशा वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चले जाती है और सन टीचर के काम में हेल्प करने लगती है। और एलिन लूना से अंशा और सन को लेकर हेल्प मांगती है और लूना को अंशा और सन के बारे में सब कुछ बता देती है कि अंशा और कोई नहीं अर्थ है जिससे सन ऑनलाइन बात किया करती है। और जब अंशा घर पर होती है तो वह सन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी आंट अंशा के पास आती है और गेट के पास सन और लूना को देखकर अंदर आने को कहती है और अंशा से कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड घर आ गए। तो अंशा पूछने लगती है कि कौन आया। तो आंट कहती है, क्या एलिन तुम्हें नहीं बताई कि तुम दोनों का फ्रेंड आज रात साथ में स्टे करने वाली है? तभी एलिन अंशा के पास आकर कहती है कि सन और लूना को वो इनवाइट की। तो ये सुनकर अंशा चौंक जाती है और सन और लूना अंशा को हेलो करती है। तो अंशा ये सब देखकर एलिन से अकेले में बात करती है और पूछती है, सन यहाँ पर क्या करी? तो एलिन कहती है, वो सब टीचर के तरफ से दिया हुआ असाइनमेंट में हेल्प करने आई है। तो अंशा पूछती है, अगर ऐसा है तो मुझे असाइनमेंट के बारे में क्यों नहीं पता? तो एलिन बताती है कि जब टीचर असाइनमेंट दे रही थी तब अंशा का ध्यान कहीं और था, इस वजह से उसे नहीं पता। और ये भी कहती है कि यही वक्त है सन को अर्थ के बारे में सब सच बताने का। और जब ये सभी अपना अपना काम कर रही होती है तो लूना सन से अर्थ के बारे में पूछती है। तो सन कहती है कि तुम्हें अर्थ के बारे में कैसे पता चला? तो लूना कहती है, तुम स्कूल की पॉपुलर स्टूडेंट हो तो अर्थ वाला टॉपिक स्कूल में काफ़ी हॉट टॉपिक बनकर है। तो सन अर्थ के बारे में बताने लगती है। तो लूना पूछती है, क्या तुम दोनों कभी कॉल पर बात की है? तो सन ये सुनकर कहती है कि अभी तक कॉल पर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लूना कहने लगती है कि तुम दोनों कॉल पर बात नहीं किए और ना ही एक दूसरे का फ़ोटो देखे, तो ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है। तो जब तुम दोनों कभी मिलोगी और उस वक्त तुम अर्थ को लेकर जो कुछ भी सोची होगी कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो जैसा तुम सोची वैसा नहीं निकला, तो तब तुम क्या करोगी? तो सन कहती है कि हर कोई इस बारे में केयरफुल रहने को कहता है, बट सन को अर्थ पर भरोसा है। बात है अर्थ के लुक और बिहेवियर को लेकर, तो अर्थ जैसा भी हो वो उसे पसंद करना नहीं छोड़ेगी। तो ये सब कुछ सुनकर एलिन अंशा को सब सच बताने को कहती है। तो अंशा सन को सच बताने की कोशिश करती है, बट सन को स्माइल करते हुए देखकर कहने लगती है कि तुम जब भी इस तरह से स्माइल करती हो तो तुम्हारे स्माइल को देखकर मैं बिल्कुल नर्वस हो जाती हूँ और कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं रहती। तो ये सुनकर सन कहती है, क्या तुम्हें यही कहना था या फिर कुछ और बात है?
तो यहाँ पर अंगसा सच ना बताकर सीज़र पास करने को कह देती है, तो सन उसे लेकर देती है। और एलिन ये सब देखकर अंगसा से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सच बताओगी, पर तुम सीज़र पास करने को कही। और इसके बाद जब सोने का टाइम आता है तो सन कहती है कि सन और लूना हॉल रूम में सो जाएगी, तो ये सुनकर अंगसा मना करती है। और एलिन कहती है कि लूना अल्फा के रूम में सो सकती है और सन अंगसा के रूम में सो जाएगी, तो अंगसा अग्री करते हुए कहती है कि सन मेरे रूम में सो सकती है और अंगसा एलिन के साथ रूम शेयर कर लेगी। तो ये सुनकर एलिन मना करने लगती है कि उसके रूम में वुमेन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर सन ये सब देखकर टेंशन लेने को मना करती है और अंगसा के साथ रूम शेयर करने का बात करती है, तो अंगसा इसके लिए रेडी नहीं होती है। तो लूना इन तीनों को आर्ग्यू करते हुए देखकर अपना ओपिनियन बताती है कि लूना एलिन के साथ रूम शेयर करेगी और अंगसा सन के साथ, तो इस बार भी एलिन रूम शेयर करने के लिए मना करने लगती है। तभी अल्फा रूम से बाहर आती है और अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने को कहती है, क्योंकि अल्फा खुद अपने रूम को किसी से भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो लूना एलिन को लेकर एलिन के रूम के अंदर ज़बरदस्ती एंट्री करती है और सन अंगसा के साथ अंगसा के रूम के अंदर आती है। और हम लूना को देखते हैं जो एलिन के रूम को देख रही होती है। तभी एलिन लूना के पास आती है और कोई भी सामान को देखने को मना करती है, तो लूना ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करती है बट एलिन नहीं देखने देती है। तो लूना एलिन के हैंड को लेकर अपने आँख के पास रखती है और कहती है कि तुम जो कुछ भी पसंद करती हो इसमें एम्बेरेस होने वाली बात नहीं है, एक दिन तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हारे साथ अपना इंटरेस्ट को शेयर करे। बट अभी जो एलिन पसंद करती है उस चीज़ को लूना भी पसंद करती है। तो ये सब सुनकर एलिन अपना हैंड को हटाती है और कहती है कि ये मेरे लिए नया है, क्योंकि आज से पहले कोई भी मेरे इंटरेस्ट को पसंद नहीं किया। और ये कहकर लूना को जेलीफिश को देखने देती है और अपना बहुत से सामान को दिखाने लगती है। और वहीं अंगसा बेड को ठीक करके सन को बेड पर सोने को कहती है और खुद फ्लोर पर सोने का बात करती है। तो सन ये देखकर अंगसा को बेड पर ही सोने को कहती है बट अंगसा इसके लिए तैयार नहीं होती है। तो सन कहती है अगर अंगसा फ्लोर पर सोने की बात करी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो अंगसा गुस्सा होने का रीज़न पूछती है, तो सन अंगसा के करीब जाकर पूछती है क्या तुम मुझे गुस्सा में देखना चाहती हो। तो यहाँ पर अंगसा सन को देखकर डर जाती है और बेड पर सोने के लिए तैयार हो जाती है। एंड देन ये दोनों एक साथ बेड शेयर करते हैं और अंगसा जैसे ही लाइट ऑफ करती है तो सन रूम को देखकर तारीफ करती है और अंगसा सन से बात करने की कोशिश करती है और अंगसा फिर से जो कहना चाहती थी वो ना कहकर सन को फ्रेंड बनने के लिए थैंक्स कहने लगती है। तो ये सुनकर सन कहती है क्या तुम्हें यही बात करना था। तो अंगसा फिर से कहती है कि सन का स्माइल अंगसा को पसंद है। तो सन ये सुनकर कहती है अगर ऐसा है तो सन कभी भी स्माइल करना स्टॉप नहीं करेगी जब तक अंगसा थक ना जाए। तो अंगसा कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, अंगसा का मन करे तो हमेशा सन का स्माइल देखते रहे। तो ये सब सुनकर सन बिलीव नहीं करती है और सोने के लिए कहती है और अंगसा सन को देखकर फिर से माफ़ी मांगती है। और नेक्स्ट डे जब सन सोकर उठती है तो वो अंगसा को सोया हुआ देखकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाती है और अर्थ को मॉर्निंग मैसेज करती है। तभी सन अंगसा के फ़ोन में मैसेज आते हुए देखती है जो कि सन अर्थ को मैसेज की थी। तो ये देखकर सन बहुत सारा मैसेज करती है, जितना भी सन मैसेज करती है वो सभी अंगसा के फ़ोन में मैसेज आता है। तो सन ये सब देखकर समझ नहीं पाती है कि अंगसा के पास ये मैसेज क्यों आ रहा। और जब अंगसा सोकर उठती है तो वो सन के पास आती है, तो सन अंगसा को देखकर पूछती है कि क्या तुम अर्थ हो। तो अंगसा ये देखकर सन से माफ़ी मांगने लगती है एंड देन ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।